अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे। आप सभी को शब रात की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का दिन जो है मेरा बहुत ज़्यादा मैसी है, क्योंकि मैं अभी सोकर उठे हैं। हम सब लोग और हस्बैंड जा चुके हैं जॉब पर। यहाँ मेरी बेटियाँ सब बैठी हैं। पहले मैं सबसे पहले ये सब मैथ जो है वो समेटती हूँ, और उसके बाद आज अपना पूरा दिन का डे आउट मैं आपको बताऊँगी कि हमारी शब रात कैसी रही और हम लोगों ने क्या क्या बनाया। चलिए अभी धर का करते हैं, ठीक है? ये अब किचन तो हमारा सब हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा पेंडिंग में रह गया। देखिए यहाँ की पूरा सेटअप हो गया है, और इधर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, तो बस अब ग्रूमिंग रह गई है थोड़ी बहुत। तो चलिए अब किचन में जाते हैं और थोड़ा सा किचन का समेट लेते हैं। देखिए सफाई मोस्टली डन हो गई है किचन की, और मौसम तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा हो रहा है। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है ना हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती, हमारे पहाड़, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और आज जो है मैं फातिहा के लिए मूंग दाल का हलवा भी बना रही हूँ, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने जा रही थी। मैंने सोचा लाओ चलो आज इसी की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आज मूंग दाल का हलवा मैं बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बनाया है, और उसकी फुल अगर आप चाहते हो रेसिपी की डिटेल्स तो वो मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल, जो मेरा कुकिंग चैनल चलता है नाज के हाथ का जायका, उसमें आपको पता चलेगी। चलिए सबसे पहले मूंग दाल जो है हलवे की प्रिपरेशन कर लेते हैं, और मुझे वो बनाना है फातिहा के लिए। फिर शाम में तो इबादत में लग जाते हैं तो पता नहीं चलता है टाइम का। तो चलिए सबसे पहले मैं आज जोहर से पहले ही मूंग दाल का हलवा बनाकर और फातिहा दिला देती हूँ। चलिए बनाते हैं आज मूंग दाल का हलवा। ये फातिहा की तैयारी कर रही हूँ मैं, जिसमें मेरे को आज बनाना है मूंग दाल का हलवा। और ये मूंग दाल का हलवा, मतलब जैसे लोग पहले मूंग की दाल को भिगो के रखते हैं ना, मैं नहीं रखती हूँ। इंस्टेंट तरीके से मैं बनाऊँगी आज मूंग दाल का हलवा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये प्याली में ले ली है मूंग दाल, एक प्याली है ये मूंग की दाल, और थोड़ी सी उससे थोड़ा सा कम ली है मैंने ये सूजी, दो चम्मच लिया है मैंने ये आपका बेसन, और ये हमारे डेकोरेशन के लिए थोड़े से लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए बनाते हैं फातिहा का मूंग दाल का हलवा। मेरा जो है ना ये हलवा मोस्टली डन हो गया है, बस ये है कि इसमें मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हाथ बहुत पकाने पड़ते हैं। मेरे हाथ बहुत थक गए हैं, क्योंकि मैं इसे बहुत देर से बना रही हूँ, और इसे हम जितना भूनेंगे ना ये उतना ही अच्छा बनेगा। पता है आप मेरे से अगर इसका लिंक मानोगे ना, मैंने ये पैन ऑनलाइन खरीदा है फ्लिपकार्ट से, अगर आप चाहें ना तो ये परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मेरे को लेकिन कमेंट जरूर करना कि आपको चाहिए या नहीं। अगर आप खरीदना चाहोगे ना तो मैं डालूंगी जरूर इंशाल्लाह। और देखिए अभी मेरा मोस्टली हलवा जो है ना अभी मीडियम टू लो आंच पे पक रहा है। अभी मैंने पता है दो तीन कलछियाँ मैं डाल चुकी हूँ इसके अंदर, जैसे मैं ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देती हूँ, और
इसे फिर भूनना है। इसे बिना भूने तो इसमें मज़ा ही नहीं आना है। और फुल ऑन देसी घी के साथ। और आज तो मैं रोजे में हूँ, कहते हैं ना कि आज का रोज़ा रखो 14वीं और 15वीं शब का, क्योंकि शबेराज का रोज़ा हमें हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कि ये कहा जाता है कि जब हमारे अमाल नामा अल्लाह के पास पेश हो रहे हों तो हम तब भी रोज़े के मुँह में हों, और जब नए अमाल नामा हमारे लिए खाए जा रहे हों, हमारे साल के लिए लिखे जा रहे हों, तो भी हम रोज़े के मुँह में हों। और अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियाँ दूर करें, आमीन। आप सब लोग ज़रूर कहें। और बाकी मैंने इस बार ये सोचा है ना कि रमज़ान में मैं क्या क्या करती हूँ ना, रमज़ान का पूरा इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी है 30 के 30 रमज़ान की डिटेल्स मैं अपनी पूरे पूरे ब्लॉग डालूँ, और इंशाल्लाह आपको पसंद भी खूब आएंगे। और देखिए मेरा जो हलवा है ना, माइंड ब्लोइंग नज़र ना लगे क्योंकि मेरा रोज़ा है ना इस चक्कर में, लेकिन इंशाल्लाह बहुत लजीज बन है। इसकी जो लुक वाइज मैं देखूँ ना तो लुक वाइज तो बहुत ऑसम लग रहा है। बस इसमें पता है ये कहते हैं ना कि जितना घी डालो उतना ही मज़ा आता है चीज़ों में, वो ये जितना भी हम इसके अंदर सामान डालेंगे ना, जितना हम देसी घी का यूज़ करेंगे, जितना हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उतना, और जितना हम इसे भूनेंगे, ये उतना ही टेस्टी बनेगा, उतना ही ऑसम बनेगा कि मतलब लोग ना आपकी तारीफ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ना कि इसका मैं फुल वीडियो, अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे प्रिपेयर किया है, तो आप मेरा जो चैनल है नास के हाथों का जायका, आप उसे सर्च करना। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो है कुकिंग वीडियो भी वहाँ पर पहुँचे और आप सबको पता चले, क्योंकि मूंग दाल का हलवा ना बनाने में लोग पहले उसे भिगोते हैं, बड़ा लंबा प्रोसीजर करते हैं, तो ये मैंने ना इंस्टेंट तरीके से बनाया है आपको बिना भिगोए। तो देखिए जल्दी से देखिए, आज मेरा मुँह से डन हो चुका है, बस इसके बाद मैं फ्रेश होंगी और नमाज का टाइम है, जोहर का टाइम हो चुका है, तो चलिए मैं जल्दी से अपना हलवा डन करती हूँ और जोहर की नमाज के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, बिल्कुल रेडी है, हलवा रेडी हो चुका है और मैंने सारा इसे एक कंटेनर से आप कटोरी में डाल दिया है। हलवा मुँह से रेडी हो चुका है और टेस्ट तो मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अभी नहीं खाया है, अफ्तार के बाद ही खाऊंगी। तो चलिए पहले यहाँ मेरी सबसे छोटी बेटी बिल्कुल रेडी हो गई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप सभी को शबेराज मुबारक। हाँ इनका देखिए ड्रेस सब कितना प्यारा लग रहा है, सबका सूट सिलवाया है मैंने, सबका सूट सिलवाया है मैंने, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अभी दोनों और तैयार होंगी, मैं तब आपको दिखाऊंगी। कहीं है अपनी नानी के घर सलाम करने और मैं भी अब तैयार होती हूँ और जल्दी से नमाज अदा करती हूँ। चलिए पहले नमाज अदा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नमाज अदा होने के बाद अब इफ्तार का टाइम हो गया था, तो हम सब बच्चों ने और हम पूरी फैमिली ने इफ्तार किया, तो ऐसे ही रहा मेरा शबेराज का दिन। और फिर इसके बाद में रात भर इबादत भी करनी थी। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा सा। आप सब मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखें और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक बात और आप सबको बतानी थी, अब मेरे रमज़ान मुबारक सबके शुरू होने वाले जैसे आप सबको पता है, तो मैं अपनी पूरी 30 रमज़ान की इंशाल्लाह सीरीज़ को शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप उसे भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।